दोस्तों हाल ही में बेबी एबी डिवॉर ब्रेविस ने राहुल चहर के एक बॉल पर 112 मीटर लंबा छक्का मारा था, जिसे देखकर भाई हर कोई हैरान रह गया था। T20 क्रिकेट का देखिए मजा तभी आता है जब मैदान पर चौकों और छक्कों की बारिश होती रहे। सही कहा ना? अब भाइयों, एक बैट्समैन को सिक्स तो भाई बाउंड्री लाइन पार करते ही मिल जाता है, लेकिन वो पावर हिटर ही क्या जिसका सिर्फ बाउंड्री लाइन पार करके मन भर जाए। असल डोमिनेशन तो भाई तभी नजर आता है जब बॉल को आसमान की सैर पर भेज दिया जाए। तो चलिए आज मैं आपको आईपीएल हिस्ट्री के 10 सबसे लंबे सिक्सेस के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 10, रोहित शर्मा 115 मीटर्स। जी हाँ दोस्तों, डेवॉल्ड ब्रेविस का 112 मीटर का छक्का आईपीएल हिस्ट्री के टॉप 10 सिक्सेस के सामने कुछ भी नहीं है। इस लिस्ट में 10th स्पॉट पर जगह बनाई है हिटमैन रोहित शर्मा ने। साल 2009 में जब रोहित डेक्कन चार्जर्स के लिए 5th नंबर पर बैटिंग करते थे, तब उन्होंने केकेआर के खिलाफ खेलते हुए मशरफ मुर्तजा की एक बॉल पर 115 मीटर का छक्का लगाया था। उनका इस सिक्स जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में आया था और उस दिन उनकी पारी के कारण डेक्कन चार्जर्स ने मैच भी जीता था। आपको बता दूं, ये वही साल था जब डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की थी। नंबर 9, गौतम गंभीर 117 मीटर्स। दोस्तों, गौतम गंभीर आईपीएल हिस्ट्री के सबसे शानदार प्लेयर और सक्सेसफुल कैप्टन में से एक रहे हैं। उनकी कैप्टनसी में केकेआर ने 2012 और 2014 की आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। खैर, ये मौका था साल 2013 का जब उन्होंने राजस्थान के खिलाफ एक मैच में एस श्रीसंत की एक बॉल पर 117 मीटर लंबा छक्का मारा। हालांकि उस मैच में केकेआर की बैटिंग परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रही और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नंबर 8, बेन कटिंग 117 मीटर्स। दोस्तों, बेन कटिंग दुनिया भर के T20 टूर्नामेंट्स में अपने गगनचुंबी छक्कों के लिए जाने जाते हैं और ये वाला छक्का तो बॉस आरसीबी की उम्मीदों पर पानी फेर गया। साल 2016 के आईपीएल फाइनल में उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आरसीबी के खिलाफ 15 बॉल पर 39 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी ने खेल का रुख पलट कर रख दिया और सनराइजर्स हैदराबाद ने फाइनल मैच जीत लिया। इस पारी के दौरान उन्होंने शेन वॉटसन की एक बॉल पर 117 मीटर लंबा छक्का लगाया। नंबर 7, रॉस टेलर 119 मीटर्स। दोस्तों, आईपीएल के पहले सीजन में रॉस टेलर आरसीबी की ओर से खेले थे। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक मैच में उन्होंने अपने ही देश के बॉलर जैकब ओरम के खिलाफ 119 मीटर लंबा छक्का लगाया, जो कि साल 2008 के आईपीएल का थर्ड लॉन्गेस्ट सिक्स था। जी हां दोस्तों, आगे की वीडियो में आपको 2008 के आईपीएल में लगाए गए इससे भी लंबे लंबे सिक्सेस के बारे में पता चलने वाला है, तो वीडियो में हमारे संग एंड तक बने रहिए। नंबर 6, युवराज सिंह 119 मीटर्स। दोस्तों, जब बात सिक्सेस की आती है तो भाई युवराज सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं। साल 2009 में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए युवराज सिंह सीएसके पर भारी पड़ रहे थे। सेंचुरियन में हुए इस मैच के दौरान उन्होंने एलबी मॉर्कल के खिलाफ 119 मीटर लंबा छक्का लगाया। इस शानदार सिक्स को क्रिकेट फैंस आज भी याद करते हैं। नंबर 5, क्रिस गेल 119 मीटर्स। दोस्तों, यूनिवर्स बॉस के नाम से पहचाने जाने वाले क्रिस गेल वो बल्लेबाज हैं जिनके नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सेस हैं। साल 2013 में उन्होंने आरसीबी की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 175 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जो कि आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी है। इस पारी के दौरान उन्होंने अशोक डिंडा की एक बॉल पर 119 मीटर लंबा सिक्स लगाया था। नंबर 4, रॉबिन उथप्पा 120 मीटर्स। दोस्तों, रॉबिन उथप्पा एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने क्लासिकल शॉट्स और टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साल 2010 में उनके एक छक्के ने फैंस का दिल जीत लिया था। इस साल उन्होंने आरसीबी की ओर से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के ज्वेन ब्रावो की एक बॉल पर 120 मीटर लंबा सिक्स मारा था। नंबर 3, एडम गिलक्रिस्ट 122 मीटर्स। दोस्तों, धर्मशाला का मैदान पिछले कुछ सालों में हाई स्कोरिंग मैचेस और लंबे लंबे सिक्सेस के लिए जाना जाता है। साल 2011 में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ओपनर एडम गिलक्रिस्ट ने आरसीबी के चाल के खिलाफ 122 मीटर लंबा छक्का लगाया था। आपको बता दूं, उस समय वो पंजाब के कैप्टन थे और जैसे कि आप जानते हैं, अपनी छोटी कदकाठी के बावजूद भी वो एक शानदार पावर हिटर हुआ करते थे। नंबर 2, प्रवीण कुमार 124 मीटर्स। इस लिस्ट में प्रवीण कुमार का नाम आपको जरूर चौंका रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। साल 2008 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच के दौरान जब आरसीबी का टॉप ऑर्डर बिखर चुका था और टीम बेहद ही खराब स्थिति में थी, तब प्रवीण कुमार ने टीम को संभालने का मोर्चा संभाला। उन्होंने यूसुफ पठान के एक बॉल पर 124 मीटर लंबा छक्का लगाया। आपको बता दूं, इसी मैच में उन्होंने शेन वॉन के खिलाफ भी दो लंबे लंबे सिक्स मारे थे। नंबर 1, एलबी मॉर्कल 125 मीटर्स। दोस्तों, आईपीएल में सबसे लंबा सिक्स मारने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के एलबी मॉकल के नाम पर है। साल 2008 के आईपीएल में एलबी मॉकल चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हुआ करते थे। इस साल उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ एक मैच में प्रज्ञान ओझा की बॉल पर 125 मीटर लंबा सिक्स लगाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 125 मीटर लंबा सिक्स। वैसे आपने इनमें से कौन कौन से भाई सिक्सेस लाइव देखे थे, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।
you.